वेलकम फ्रेंड्स, मेरा अंदर अलग अंदर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं नागमणी बुंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम तेलुगु सीखना तो है लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सा वीडियो पहले देखे कौन सा वीडियो बाद में देखे, क्योंकि चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपके इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेकर आया जाए। तो सॉल्यूशन है 45 डेज तेलुगु स्पोकन क्लास। जी हाँ फ्रेंड्स, 45 डेज तेलुगु स्पोकन, जिसमें आपको 45 क्लास मिलने वाले हैं। इन 45 क्लासेस को पूरी तरीके से देखेंगे, समझेंगे तो जरूर तेलुगु बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये गारंटी मेरी है। इस बार आपको क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैडम आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो या कोई नोट्स प्रोवाइड करवाओ या कोई ऐसी किताब सजेस्ट करो कि जिससे हमें तेलुगु पढ़ने में आसानी हो, सीखने में आसानी हो। तो इसलिए मैंने बहुत सारे बुक्स मंगाए, मैंने पढ़े, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें पढ़कर कोई भी तेलुगु सीख सकता है। तो इसलिए मैंने खुद के पीडीएफ बनाए हैं, लेकिन आपको उन पीडीएफ के लिए 45 रुपीज पेड करने पड़ेंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स करके टाइप करके भेजे व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपको किस प्रकार पीडीएफ मिलेगा उसकी जानकारी मिलेगी। और हर क्लास के पहले, जो अभी स्टार्टिंग से ज्वाइन हो रहे हैं क्लास, हर क्लास के पहले आपको उस क्लास का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और 45 डेज तक जो जुड़ते रहेंगे उसी प्रकार आपको जो लास्ट क्लासेस हो गए रहेंगे उनके नोट्स मिल जाएंगे। तो जैसे ये पहला क्लास है तो इसका पीडीएफ आपको ज्वाइन होते साथ मिल जाएगा। वैसे ही सेकंड, थर्ड, अगर आप फिफ्थ क्लास में ज्वाइन होते हैं तो आपको पांचों के एक साथ मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स पे आपको हर क्लास डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग व्हाइट बोर्ड में नहीं लिख पाते हैं। जैसे अभी मैं नेनू, तो इसको तेलुगु में किस प्रकार लिखेंगे और इंग्लिश में किस प्रकार लिखेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, पूरा आपको पीडीएफ में मिलने वाला है। अगर ये वही मैं अभी हिंदी, तेलुगु में और इंग्लिश में लिखते रहूं तो बोर्ड पूरा भर जाएगा और क्लास खत्म ही नहीं होगा। तो आप चाहें तो ही पीडीएफ बाय कीजिए, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है, क्लास में भी सीख सकते हैं। लेकिन जो डिटेल में सीखना चाहते हैं हर बात बारीकी से, जिनको नोट चाहिए वो जरूर पीडीएफ एक बार देखें कि किस प्रकार है पीडीएफ, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये मेरा मानना है। पर आपकी मर्जी, आपको चाहिए तो कर दें, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है ये 12 वर्ड्स, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बिना ना तो हिंदी, ना तेलुगु, ना इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज को हम लोग नहीं बोल सकते। ये 12 है, इसके बाद सेकंड क्लास में और बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज मैं को तेलुगु में कहते हैं नेनू, मैं को कहते हैं नेनू। मैं खा रहा हूं या मैं खा रही हूं तेलुगु में कहेंगे नेनु तिंटुन्नानु, नेनु तिंटुन्नानु। फर्स्ट वन इज मैं को तेलुगु में कहते हैं नेनु, नेनु तिंटुन्नानु, मैं खा रहा हूं या खा रही हूं। द सेकेंड वन इज मेरा या मेरी को तेलुगु में कहेंगे ना योक्का या नादी। ना योक्का का यूज बहुत कम होता है, जो डीपली ग्रामर बुक्स होते हैं या बहुत ज्यादा तेलुगु में बातचीत होता है उसपे होता है, नहीं तो ना योक्का का यूज नहीं होता। लेकिन क्योंकि नायोक्का भी है इसका मीनिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको पता चले कि नायोक्का भी बोलते हैं, पर उसका यूजेस बहुत कम होता है। क्लासेस पूरा देखें, क्योंकि मैं चैलेंज करती हूँ कि पूरे यूट्यूब में इससे बेटर आपको तेलुगु स्पोकन थ्रू हिंदी नहीं मिलेगा। तो 45 दिन के क्लासेस पूरी तरीके से वॉच करें। नायोक्का, ठीक है। नादी भी कहते हैं, तो इनका प्रयोग किस प्रकार करेंगे अब चले सीखते हैं। यह पुस्तक मेरी है या यह किताब मेरी है। इदि ना पुस्तकम, इदि यह ना यानी मेरा पुस्तकम किताब है, यह मेरी किताब है। इदि ना पुस्तकम, या फिर इसको किस प्रकार बोलेंगे, इदि ना योक्क पुस्तकम, इदि ना योक्क पुस्तकम। पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना योक्क का यूज बहुत कम होता है, तो आप कहेंगे इदि ना पुस्तकम, इदि ना पुस्तकम। नादी का प्रयोग किस प्रकार कहेंगे, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ये पुस्तकम नादी, ये पुस्तकम नादी, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तकम नादी। तो मेरा या मेरी के लिए नायक का नादी, तीनों का यूज होगा, ज्यादा ना का नादी का होगा, नायक का कम होगा। तो यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ। थर्ड वन इज मुझे या मुझको को तेलुगु में कहेंगे नाकू या नन्नो। अब इनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे देख, मुझे जाने दो या मुझको जाने दो। नाकू वेल्ल निव्वु या नन्नु वेल्ल निव्वु। वेल्ल निव्वु का मतलब होता है जाने दो, वेल्ल निव्वु का मतलब होता है जाने दो।
अगर आप चाहे तो नोट कर ले, जो मैं बोल रही हूँ नोट कर ले, मैं धीरे धीरे बोलूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाकु वेल्ल निब्बू, वेल्ल निब्बू या नन्नू वेल्ल निब्बू, मुझे जाने दो या मुझको जाने दो। नाकु वेल्ल निब्बू या मुझे जाने दो, नन्नू वेल्ल निब्बू, मुझे या मुझको को, नाकु नन्नू। द फोर्थ वन इज तुम, तुमको तेलुगु में कहेंगे नुव्वु, तुमको तेलुगु में कहेंगे नुव्वु। तुम कहाँ जा रहे हो, नुव्वु एक्कडिकि वेलुतुन्नावु। तुम कहाँ जा रहे हो, नुव्वु एक्कडिकि वेलुतुन्नावु। तुम नुव्वु एक्कडिकि, एक्कड यानी कहाँ, पर तेलुगु में वर्ड्स कहाँ को कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हो। एक्कडिकि को की, एक्कडिकि वेलुतुन्नावु जा रहे हो, वेलुतुन्नावु जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, नुव्वु एक्कडिकि वेलुतुन्नावु। द फिफ्थ वन इज तुम्हारा, तुम्हारा को तेलुगु में कहेंगे नी, नी योक्का या नीदि, नी नी योक्का या नीदि। नी योक्का का यूज जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम होता है, तो चलिए नी और नीदि को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, नी इल्लू एक्कड उंदी, या फिर नी योक्का इल्लू एक्कड उंदी। नी तुम्हारा, इल्लू घर, कहाँ है, एक्कड उंदी, कहाँ है, एक्कड उंदी। तुम्हारा घर कहाँ है, नी इल्लू एक्कड उंदी, या फिर नी योक्का इल्लू एक्कड उंदी। यह घर तुम्हारा है, इल्लु नीदि, यह घर तुम्हारा है, इल्लु नीदि, ये घर नीदि यानी तुम्हारा है, इल्लु नीदि, यह घर तुम्हारा है। द सिक्स्थ वन इज तुम्हें, तुझे या तुमको को तेलुगु में नीकू या निन्नू कहेंगे। निन्नू का प्रयोग कम होता है, नीकू का ज्यादा होता है, तो चलिए इनके साथ कुछ सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए को तेलुगु में कहेंगे नीकू एम कावाली। तुझे क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, किसी के लिए भी आप कहेंगे नीकू एम कावाली। नीकू तुम्हें, तुझे या तुमको, किसी के लिए यूज कर सकते हैं। एम क्या, क्या को एमटी कहते हैं, पर बोलचाल की भाषा में एम कहते हैं। नीकू एम कावाली, कावाली का मतलब होता चाहिए, कावाली का मतलब चाहिए। तुमको क्या चाहिए, नीकू एम कावाली। तुम्हें क्या चाहिए, नीकू एम कावाली। तुझे क्या चाहिए, नीकू एम कावाली। तुम्हें किसने बुलाया, निन्नु एवर पिलचारु, निन्नु एवर पिलचारु। निन्नु तुम्हें किसने बुलाया, एवरु पिलचारु, किसने बुलाया, एवरु पिलचारु। द सेवेंथ वन इज आप, आपको तेलुगु में कहेंगे मीरु, आपको कहेंगे मीरु। जब मैं वर्ड्स कोई भी तेलुगु में बोलती हूँ तो प्लीज मेरे पीछे एक बार बोलने का ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा क्लियर होगा आपका। तो चलिए आपको कहेंगे मीरु, आपको कहेंगे मीरु। आप कहाँ रहते हैं, मीरु एक्कड उंटारु। आप कहाँ रहते हैं, मीरु एक्कड उंटारु। आप मीरु कहाँ एक्कड़ा रहते हैं, उंटारु रहते हैं, उंटारु। आप कहाँ रहते हैं, मीरु एक्कड उंटारु। द एट वन इज आपका, आपका को तेलुगु में कहेंगे मी, मी योक्का मीदि, मी मी योक्का मीदि। मी योक्का का यूज कम होता है, ज्यादा मी और मीदि का होता है। तो इनसे वर्ड्स देखते हैं। आपका घर कहाँ है, मी इल्लु एक्कड उंदि, या फिर मी योक्का इल्लु एक्कड उंदि। आपका घर कहाँ है, मी इल्लु एक्कड उंदि, या फिर मी योक्का इल्लु एक्कड उंदि। यह घर आपका है, इल्लु मीदि, यह घर आपका है, इल्लु मीदि। तो कुछ कुछ वर्ड्स में मी का यूज होगा, कुछ कुछ में मीदि का होगा। तो ये जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास में तो आप नहीं समझ पाएंगे, पर क्योंकि इनका यूज होता है तो इसलिए मैंने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया है। द नाइन्थ वन इज आपको, आपको को तेलुगु में कहेंगे मीकू या मिम्मलनी, मीकू या मिम्मलनी। आपको किसने बुलाया, मीकू एवरु पिलचारु, या फिर मिम्मलनी एवरु पिलचारु। आपको किसने बुलाया, मीकू एवरु पिलचारु, या मिम्मलनी एवरु पिलचारु। द टेंथ वन इज हम, या हम लोग को तेलुगु में कहेंगे मेमु या मनमु, मेमु या मनमु। हम कहाँ जा रहे हैं, मेमु एक्कड़ की वेल्तुन्नामु। जैसे मैंने कहा तेलुगु में कहाँ को जा रहे हो, जब भी कोई जाता है तो कहाँ को जा रहे हो। मेमु एक्कड़ की यानी को, मेमु एक्कड़ की वेल्तुन्नामु, हम कहाँ जा रहे हैं। मेमु हम, कहाँ को, एक्कड़ की वेल्तुन्नामु जा रहे हैं, वेल्तुन्नामु जा रहे हैं। मेमु एक्कड़ की वेल्तुन्नामु, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। మనము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, మనము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, మనము హంలో ఎక్కడికి కహా వెళ్తున్నాము జా రహే హై, వెళ్తున్నాము జా రహే హై, హంలో కహా జా రహే హై, మనము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము।
हमारा या हम लोगों का। हमारा को तेलुगु में कहेंगे माँ माँ यक्क मादी, हमारा को कहेंगे माँ माँ यक्क मादी। माँ यक्क का यूज कम होता है, याद रखिएगा। हम लोगों का माना मन यक्क मंदी, माना मन यक्क मंदी, मन यक्क का यूज कम होता है, माना मंदी याद रखिए, क्योंकि वर्ड्स होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए हमारा से किस प्रकार सेंटेंस बनता है चलिए देखते हैं। या हमारी कार है, हमारा और हमारे तेलुगु में एक ही तरीके का वर्ड यूज होता है। या हमारी कार है, इदी मा कार, इदी मा कार या इदी मा यक्क कार, मा यक्क यूज कम होता है तो इदी मा कार याद रखिएगा, इदी मा कार। तेलुगु में हम लोग जब बात करते हैं लास्ट वर्ड के लास्ट में कारू पेन्नु बुक्कु इस प्रकार बोलते हैं। आदत है पर बहुत हद तक बहुत सारे लोग बदलाव आ चुका है, पर नॉर्मल बीच बीच में आ जाता है। तो इदी मा कार, इदी मा कार, यह कार हमारी है, यह कार हमारी है। ई कार मादी, ई कार यह कार मादी। यह के लिए इदी या ई दोनों का यूज होता है, जब आगे यह वहां में जाएंगे तब सीखेंगे। ई कार मादी, हम लोगों का माना मान यक्क मंदी, ठीक है। इसके सेंटेंस देखते हैं। क्या हम लोगों की कार है, इदी मान यक्क कार या फिर इदी माना कार। तो मान यक्क का यूज कम होता तो आप माना याद रखें, इदी माना कार, इदी माना कार। यह कार हम लोगों की है, यह कार हम लोगों की है। ई कार मंदी, ई कार मंदी। द ट्वेल्थ वन इज हमें हमको हम लोगों को, तेलुगु में कहेंगे माकु मनकु मम्मलनी मन्नलनी, माकु मनकु मम्मलनी मन्नलनी। ये चार वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है पर याद कर नोट करके दो तीन बार बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। हमें भूख लगी है या हमको भूख लगी है, माकु आकलिगा उंदी, माकु आकलिगा उंदी, हमें भूख सा है। बोलेंगे हिंदी में हमें भूख लगी है, पर तेलुगु में थोड़ा वर्ड बदल जाता तो कहेंगे हमें भूख सा है, हमको भूख सा है। माकु आकली भूख सा गा, भूख सा आकली गा है उंदी, माकु आकलिगा उंदी, हमें भूख सा है। हम लोगों को कुछ लोग बुला रहे हैं, तो आप माकु मनकु मम्मलनी मन्नलनी किसी का भी यूज कर सकते हैं। माकु एवरो पिलुस्तुन्नारु या मनकु एवरो पिलुस्तुन्नारु, मम्मलनी एवरो पिलुस्तुन्नारु, मन्नलनी एवरो पिलुस्तुन्नारु। यूज ज्यादा माकू का ही होता है, मनकु मम्मलनी मन्नलनी कम यूज होता है। आप माकू याद रख लीजिए, आपके स्पोकन के लिए माकू काफी है। फ्रेंड्स ये है आज के 12 वर्ड्स, एक बार ध्यान से देख लीजिए, चलिए रिवाइज हो जाए। मैं नेनु मेरा ना ना यक्क नादी, मुझे मुझको नाकु नन्नु, तुम नुव्वु तुम्हारा नी नी यक्क नीदी, तुम्हें तुझे तुमको नीकु निन्नु, आप मीरु आपका मी मी यक्क मीदी। ये जो यक्क वाले वर्ड्स है ये कम यूज होते हैं, पर क्योंकि होते हैं इसलिए मैंने लिखे हैं। आपको मीकु मिम्मलनी, हम लोग मेमू मनमु हमारा हम लोगों का, मा मा यक्क मादी हम लोगों का, मना मन यक्क मंदी हमें हमको हम लोगों को, माकु मनकु मम्मलनी मन्नलनी। तो फ्रेंड्स ये 12 वर्ड्स है, अच्छी तरीके से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो फ्रेंड्स अगर आप सचमुच में तेलुगु सीखना चाहते हैं तो जरूर ये 45 डेज के क्लास को जरूर अटेंड करें, पूरा देखें वीडियो को, हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो ये पहला क्लास है, और जैसे मैंने पहले कहा आपको पीडीएफ चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स जरूर कमेंट करें। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करें, नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।